अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी कर भी जाओ, आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। सर की मैंने पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी थी जिसमें कि मैंने इनकी गाड़ी पिक करवा के अब इनकी गाड़ी ड्रॉप करवा रहा हूँ और अमाउंट उनको मैंने बता दिया, उन्होंने मेरा पेमेंट कैश कर देनी है। ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस ओनली सिर्फ और सिर्फ फौजी भाइयों के लिए है, सिविल आदमियों के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस मैं नहीं दे सकता। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र, आप देख रहे हैं मेरा वीरेंद्र राठी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ मारुति डिजायर की मॉडिफिकेशन वीडियो। ये कार का VXI वेरिएंट रहने वाला है पेट्रोल के अंदर, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कार के अंदर क्या मॉडिफिकेशन है, तो चलिए जानते हैं कार के बारे में। गाइज, आज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ मारुति डिजायर की मॉडिफिकेशन वीडियो। ये कार का VXI वेरिएंट रहने वाला है मारुति डिजायर का। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जी मैंने काम किया, अगर उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है। हेलो भैया। गुड नेम? मेरा नाम कुलदीप है। तो भैया का नाम कुलदीप है, कुलदीप भैया को आपने हमारी और भी वीडियोस में देखा होगा। भैया को कितने साल हो गए काम करते हुए? लगभग मेरे को 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए भैया को, 4 साल हो चुके। कहाँ से आते भैया आप? मेरा गांव बिटबड़ा है। ओके, तो भैया बिटबड़ा गाँव से आते हैं और भैया ने कार थी, एक बार रेडी हो जाएगी कार, मैं जब आपको कार को दिखा दूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको इस कार की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी A to Z। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आज मैं आप सभी के लिए मारुति की डिजायर की मॉडिफिकेशन वीडियो लेके आऊँ। जैसे कि अभी ये कार पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कार के अंदर फ्रंट प्रोफाइल में क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो इस कार के अंदर आपको फोग लैंप नहीं मिलते कार के अंदर आपको, लेकिन भैया ने क्या किया, भैया ने इसके अंदर आपको फोग लैंप लगाए हैं। एक नॉर्मल वाले फोग लैंप नहीं है, ये डीएल वाले फोग लैंप है, जैसे कि डे टाइम रनिंग लाइट्स वाले फोग लैंप। जो नॉर्मल वाले फोग लैंप नहीं है, एक तो नॉर्मल वाले फोग लैंप होते हैं और एक ही डे टाइम में रनिंग लाइट्स वाले फोग लैंप होते हैं। तो आपको आफ्टर मार्केट ऑप्शन मिलता है कि आप अपने फोग लैंप में डीएल लगवा लें, और इससे क्या इसकी जो अपनी जो कार का जो लुक है वो इनहेंस होकर आता है और कार का जो लुक है एक परफेक्ट लुक दिखता है। इनकी क्या कॉस्टिंग रहेगी मैं आपको लास्ट टाइम भैया द्वारा बता दूंगा, तो आप इस वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहें, आपको इस कार की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी कार के अंदर सामान लगने वाला है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल कैसी लगी। अब बात करें कार की साइड प्रोफाइल से, साइड प्रोफाइल से कार के अंदर एक चीज मॉडिफिकेशन हुई है जो कि आपको लगवानी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि हर कस्टमर आपके पास XYZ कोई भी कार हुई, आपको अपनी कार में वो चीज लगवानी चाहिए। चलो आपको वो दिखाता हूँ वो क्या हुई है। जो ये रेन डोर वाइजर, जैसे अभी बारिश आई थी तो उसमें ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जब इनका नाम रेन डोर वाइजर रखा जाता है, क्योंकि ये रेनिंग सीजन में अगर आ जाते तो अपनी रेनिंग सीजन में थोड़ा वेदर का मजा उठा पाओ अपने शीशों को डाउन करके, तो इनके लिए ये परफेक्ट होते हैं। और ये बारिश के सीजन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, जैसे कि आज बारिश आई है तो आज का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है और परफेक्ट है इन चीज़ों का लाभ उठाने के लिए जो कार के अंदर आप सामान लगाते हो। जो भी इनका नाम रेन डोर वाइजर बोलते हैं इनको, इनकी कॉस्टिंग रहेगी आपको मैं लास्ट में भैया द्वारा बता दूंगा। और काफ़ी फिट एंड फिनिशिंग की भी बात करें वो भी काफ़ी अच्छी, जैसे आप अभी देख रहे हो जो फिनिशिंग दी है भैया ने, आपको लगे नहीं कि आपने आफ्टर मार्केट या कंपनी के द्वारा इंस्टॉल कराया गया है, आपको लगेगा कि मैंने कोई कंपनी से ही टॉप वेंट मैंने परचेज किया है। आपको ये फील आएगा यहाँ पे, आपको ये फील आया नहीं कि आपने लोअर वेंट्स अपनी कार का चूज किया है, बाय किया है, तो आपको ये फील आया नहीं अपनी कार के अंदर। तो ये इनका प्लस पॉइंट है, आपको इतनी अच्छी फिनिशिंग मिलती है इनके द्वारा। तो इसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी मैं आपको लास्ट में भैया द्वारा बता दूंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको इसी साइड प्रोफाइल कैसी लगी जो कार के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। अगर हम बात करें बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल के अंदर इनको अभी कोई नीड नहीं थी मॉडिफिकेशन कराने की, जैसे ही कंपनी चाहती है वैसी वैसी कार को रखा है। बैक प्रोफाइल से इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई, इन्होंने पार्किंग कैमरा नहीं लगवाया है इस कार के अंदर, लेकिन आपको पार्किंग सेंसर आपको कंपनी द्वारा ही मिलता है। आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं बैक साइड की तरफ, बात करें तो बैक साइड में आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे कंपनी द्वारा ही, तो आपको आफ्टर मार्केट लगाने की इतनी नीड नहीं रहती, सेंसर मिलते हैं। तो जो जिनकी कार है भैया उनको अभी कोई नीड नहीं थी ये कैमरा लगवाने की, इन फ्यूचर लगवा लेंगे, लेकिन प्रेजेंट के अंदर कोई कैमरा नहीं लगाया है। सिर्फ इन्होंने कहा पार्किंग जो सेंसर आता है कंपनी से है, कैमरा नहीं लगवाया बैक साइड से, आप वही मॉडिफिकेशन करा सकते हो जो वैल्यू फॉर मनी वाली जो मॉडिफिकेशन होती है, कैमरा इन्होंने नहीं लगवाया, फ्यूचर कैमरा लगवाएंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स बताना आपको इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल कार की कैसी लगती है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो कार के जो मॉडिफिकेशन हुई है, जो वैल्यू फॉर मनी वाली जो मॉडिफिकेशन हुई है, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करें अंदर तरफ जो कार के जो मॉडिफिकेशन हुई है, सबसे पहले मैं कार के सीट को आपको दिखाता हूँ। इस कार के अंदर आपको जो कंपनी से आते हैं उससे भी एक्स्ट्रा प्रीमियम सीट कवर लगाए गए हैं, जो कि फुल बकेट सीट कवर है और हाई क्वालिटी वाले सीट कवर है। ये आपको फील ही नहीं होगा कि मैंने कोई लोअर रेंज के सीट कवर अपनी कार के अंदर लगाए, आपको ये फील होगा कि मैंने हाई रेंज के फुल बकेट प्रीमियम वाले सीट कवर अपनी कार के अंदर लगाए हैं। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये वैसे सीट कवर है, जैसे कि आपको कार का जो डैशबोर्ड मिलता है, जो कार का जो थीम है उसी को ध्यान देते हुए बयान है जो ये सीट कवर है,
ये डिजाइन की है और काफी प्रीमियम क्वालिटी वाले आपको ये सीट कवर मिलते हैं। आपको लगे ना कि मैंने कोई लोअर रेंज की सीट कवर मैं अपनी कार के अंदर लगा रहा हूँ। अगर बात करेंगे जो लुक की, लुक काफी ऑसम है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, काफी आपको अपग्रेड आपको ये मिल लगेंगे। आपको लगे ना कि मैंने इतनी लो रेंज की है और इनका जो लुक है आप मेरे कैमरे के द्वारा देख रहे हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। अगर मैं सेकंड रो का भी आपको लुक दिखाऊं तो वो लुक कैसा आ रहा है आप अभी देख रहे हैं मेरे कैमरे के द्वारा, इतना अच्छा लुक आ रहा है, काफी ज्यादा शाइनिंग मार रहा है जो ये सीट कवर का है, शाइनिंग मार रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं गाइज मैं आपको बता नहीं सकता कैमरे के द्वारा। आप अगर नोटिस कर लोगे तो अगर आप इनको लाइव देखोगे अपनी आंखों के द्वारा आपको इतने अच्छे लगेंगे, इतने अच्छे लगेंगे आप फैन हो जाओगे। क्या वीरेंद्र भैया आपने क्या सीट कवर दिखा दिए, इतने अच्छे आपने सीट कवर दिखा दिए भाई। जैसे कि आपने अभी देखे हैं सीट कवर इतने अच्छे सीट कवर लगे हैं। और आपने सेकंड रो का लुक बताना प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लग रहा है। अगर हम बात करें फ्रंट रो के जो सीट कवर है ये देख रहे हैं आप फोर डिजायर वाले, यहाँ पे ब्रांडिंग भी दी गई है भैया ने डिजायर लिखा हुआ, तो जो कंपनी के द्वारा आते हैं वैसे आपको सेम मिलेंगे लेकिन आपको उससे भी एक्स्ट्रा क्वालिटी के मिलते हैं ये। इनकी क्या कॉस्टिंग रहेगी मैं आपको लास्ट में भैया द्वारा बता दूंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस कार के अंदर क्या क्या सामान लगने वाला है। अगर सीट कवर की बात करें इनकी क्या कॉस्टिंग रहेगी मैं आपको लास्ट में भैया द्वारा बता दूंगा, तब प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जो भैया है ये फ्रंट का जो आर्म रेस्ट है उसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे और काफी ईजी, अगर आप चाहें आप घर पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। भैया अगर दिखाएं भैया इसकी इंस्टॉलिंग क्या कैसे होती है, आप बिल्कुल ही ईजी तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये फोर डिजायर का जैसे आप यहाँ पे ऊपर ब्रांडिंग देख रहे हैं और सेम वैसे कलर का अपने बेस कलर का भी ये चूज किया है, जैसे कि आप कार का थीम है उसी को ध्यान देते हैं और काफ़ी अच्छा है। और इनकी क्वालिटी की बात करें बिल्ड एंड क्वालिटी की वो भी काफ़ी आपको A1 क्वालिटी की आपको मिलती है और इसकी जो कलर है वो आप देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग मार रहे हैं। इसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी मैं आपको लास्ट में बैग के द्वारा बता दूंगा। और आप इसकी फील देख रहे हैं थ्रेडिंग है वो भी काफ़ी सुपर क्वालिटी की कर रखी है और फील है, टच एंड फील है और सॉफ्टनेस है यहाँ पे, जैसे आप मैं प्रेस कर रहा हूँ अपनी फिंगर को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस इसके अंदर आपको और काफ़ी अच्छा है। इसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी मैं आपको लास्ट में भैया द्वारा बता दूंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक मिस ना करें, आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो गाइस चलिए आपको दिखाता हूँ जो कार के अंदर जो मैटिंग हो रखी है थोड़ी गंदी हो रखी है क्योंकि अभी थोड़ा किसी ने पैर रख दिया इस कार के अंदर, थोड़ी ये अब बारिश आ गई जैसे मैंने आपको सभी बताया था तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोर मैटिंग की, जैसे कुछ भाई कमेंट करते हैं कि यार मेरा इतना हाई रेंज में जाने का बजट नहीं है तो मुझे कोई नॉर्मल रेंज में बेस्ट फ्लोरिंग करवानी है, मैं कौन सी करवाऊँ, ये क्वेश्चन इतना आता है, इतने लोग पूछते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे भी इतने क्वेश्चन आते हैं जिसके कि भाई उन सभी के लिए मैं परफेक्ट उन क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। ये जो फ्लोरिंग हो रही है मिड रेंज वाली फ्लोरिंग हो रही है, जैसे कुछ भाई कमेंट करते हैं कि मेरा इतना हाई रेंज जाने बजट नहीं है तो उन सभी के लिए बेस्ट फ्लोरिंग है कि भी आप फ्लोरिंग करा सकते हो, मैं ये आपको प्रेफर करता हूँ कराने के लिए। अगर हम इसकी फिट एंड फिनिशिंग की बात करें, जैसे आप अभी मेरे कैमरे के द्वारा अभी देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, जैसे आप अभी देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लग ही नहीं रहा कि ये कंपनी से कि आफ्टर मार्केट है, इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इस कार की जैसे आप अभी देख रहे हैं। और जो एजिज है वो भी बयान इतने अच्छी के, जो कुलदीप बयान जिन्होंने काम किया, मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में मिला था कि कुलदीप बयान ने इस कार के अंदर काम किया और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रही है जैसे आप अभी देख रहे हैं, आपको लग ही नहीं रहा कि ये कंपनी से कि आफ्टर मार्केट है, इतनी अच्छी आपको इसकी जो फिनिशिंग है वो मिल रही है। इसकी क्या कॉस्टिंग रहने वाली है मैं आपको लास्ट में बैग द्वारा बता दूंगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी A to Z क्या नाम होने वाला है, कौन सी ब्रांड की है, क्या कॉस्टिंग रहेगी नियर बाय और कौन कौन सी कार की क्या क्या कॉस्टिंग रहने वाली है, तो आपको लास्ट में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है मेरी आप इस वीडियो आप लास्ट तक बने रहें, आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर बात करें अगली जो कार के अंदर क्या मोड्स हैं जैसे आप अभी देख रहे हैं, अगर आप ये कार को कंपनी के द्वारा लेते हो स्टॉक कार को लेते हो इसके अंदर कोई मोड्स नहीं कराते तो आपको क्या मिलता है, आपको कंपनी द्वारा इसके अंदर आपको स्टेयरिंग कवर नहीं मिलता है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आफ्टर मार्केट इस कार के अंदर ऐसा स्टेयरिंग कवर लगाया है जो कि टॉप वेंट में भी नहीं आता। सही सुना आप सभी ने, इस कार के अंदर ऐसा स्टेयरिंग कवर लगाया है जो कि आपको टॉप वेंट में भी नहीं मिलता, आपको वैसा स्टेयरिंग कवर लगाया गया और उससे भी अच्छी फिनिशिंग के साथ, उससे अच्छा और उससे काफ़ी 100 गुना बड़ी आपको इसके अंदर आपको स्टेयरिंग कवर लगाया है। जैसे आप अभी देख रहे हैं ये नॉर्मल वाला स्टेयरिंग कवर नहीं है, फिर आप बोलोगे भी ऐसा क्या खास इसके अंदर, ये लेदर वाला स्टेयरिंग कवर है पर इसके अंदर आपको ये डिजाइनिंग वाला मिल रहा है। ये बात आप नोटिस करना कि एक नॉर्मल वाला स्टेयरिंग कवर से ये क्यों हटकर उनसे बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको हल्की सी जो ये डिजाइनिंग है ये मिलती है, इसके कारण क्या इसका आपको जो लुक है वो इनहेंस हो के आ रहा है, आपको प्रीमियमनेस एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस फील हो रही है कार के अंदर कि यार मैं कोई अच्छी कार में बैठा हूँ और मेरे को ये लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई
लोअर वेंट कार को ड्राइव कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं कोई हायर वेंट अपनी कार का ड्राइव कर रहा हूँ, जैसे कि टो वेंट आते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं कोई मेरी कार का टो वेंट ड्राइव कर रहा हूँ। आपको इतना अच्छा है, आपको इतना अच्छा मिल रहा है, आप ये देख रहे हो, और इतनी अच्छा आपको डिजाइनिंग मिल रही है। और अगर हम बात करें ग्रिप की फील क्या रहने वाली, जैसे कि मैंने हैंड को अपने हाथों के साथ ये होल्ड कर रखे हैं, और ग्रिप की बात करें वो गाइस A1 क्वालिटी ग्रिप लग रही है, A1 क्वालिटी की, जिसको A1 क्वालिटी बोलते हैं वो लग रही है। कि आपको लगे नहीं है कि मैंने कोई इतनी लो रेंज की करवा रखी, आपको लगेगा कि मैंने हाई रेंज में मेरे पैसे जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, और सही शॉप पे आपने अपने पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए हैं हिसार के अंदर। काफ़ी अच्छी शॉप है, माने जाने शॉप है हिसार के अंदर, आप गूगल पे भी लिख सकते हो गोवन कार डेकोर शॉप नंबर 43, तो आपको इसकी जो रेटिंग है वो आपको सारी मिल जाएगी कार की, और किस पोजिशन पे आती है हिसार के अंदर आपको वो भी इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। कि क्या कॉस्टिंग की बात करें, क्या कॉस्टिंग बनने वाली नियर बाय, मैं आपको लास्ट में द्वारा बता दूंगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं जिनकी शॉप है, जानते हैं उनसे क्या नाम है, उनकी शॉप की लोकेशन क्या है, और उनके फ़ोन नंबर क्या रहने वाले हैं। फ्रेंड्स जो आपने जो डिजायर देखी है, आप जानते हैं इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी है नियर बाय, जो जो कार के अंदर आइटम लगा है, और भैया के नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या रहने वाले हैं, और भैया के शॉप की लोकेशन क्या रहने वाली है। डिज़ायर में मैटिंग है, सीट कवर्स है, सीट कवर भी इन्होंने टॉप एंड पसंद कर रहे हैं, इसके अंदर अपना आर्मरेस्ट है, स्टीयरिंग कवर इनका ऑलरेडी लगा हुआ था तो वो हमने कैंसिल कर दिया। ये सर की मैंने पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी थी, जिसमें कि मैंने इनकी गाड़ी पिक करवा के अब इनकी गाड़ी ड्रॉप करवा रहा हूँ, और अमाउंट उनको मैंने बता दिया, उन्होंने मेरा पेमेंट कैश कर देनी है। ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस ओनली सिर्फ और सिर्फ फौजी भाइयों के लिए, सिविल आदमियों के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस मैं नहीं दे सकता। फ़ोन नंबर 9416377750, लोकेशन भुवन कार डेकोर, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं भुवन कार डेकोर हिसार, शॉप नंबर 43 अपोजिट हीरो होंडा मोटरसाइकिल शोरूम, न्यू ऑटो मार्केट हिसार। ओके, लास्ट में कॉस्टिंग बताया, टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग क्या पड़ी है। जो डिजायर में आपने काम देखा है इसमें सारा नियर अबाउट इनका 10,000 के नियर अबाउट का टोटल अमाउंट है। ओके भैया, फ्रेंड्स आपने भी पूरी वीडियो देख लिया, अगर आपका मन कर रहा है अमेजोन से कोई बुक बाय करने का, तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, अब वहाँ पे जाके अपना कोई भी जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।